अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग समझते हैं कि दूध पीता बच्चे का जो पेशाब होता है वो पाक होता है, और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि वो पेशाब नापाक होता है। और एक बात और है कि जो बच्चे की माँ होती है उन लोगों को नमाज के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि नमाज हम कैसे पढ़ेंगे, बच्चा पेशाब कर देता है, बार बार नहाना पड़ेगा। तो आज इन्हीं गलत फहमियों के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहली बात आप इसको समझिए कि दूध पीता बच्चा हो या फिर वो दूध छोड़ चुका हो, वो बच्चे का पेशाब नापाक है। बात समझ में आ गई, वो बच्चे का पेशाब नापाक है, चाहे वो पैदा हुए एक घंटा हो या एक दिन हो या एक माह हो, यानी कि एक महीना हो। ठीक है, उस बच्चे का पेशाब नापाक है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो बच्चे की माँ है वो अगर नमाज पढ़ती है, तो बहुत सारी औरतें ऐसी है कि कपड़ा चेंज नहीं करती, उसी तरीके से नमाज पढ़ लेती है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कपड़ा चेंज करके आप नमाज पढ़ा कीजिए, क्योंकि उस बच्चे का पेशाब नापाक होता है। ठीक है, दूध पीते बच्चे का। दूसरी बात यह है कि जो कुछ औरतों का ये ख्याल होता है कि बच्चा पेशाब कर दे रहा, उन लोगों के बारे में जो लोग इसको नापाक समझते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाते, वो कहते हैं कि हमें नहाना पड़ेगा, बच्चा बार बार पेशाब कर देता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए कि बच्चा अगर पेशाब कर रहा है आपके गोद में, आपके या हाथ में, आपके कपड़े में, तो ऐसी सूरत में आप हाथ धो लीजिए, हाथ धोकर जो कपड़ा है उस कपड़े को बदल लीजिए और फिर आप नमाज पढ़िए। आपको नहाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पाक है, आपका जिस्म पाक है। ठीक है, यहां पर एक तरकीब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। आप अपना एक कपड़ा अलग करके रखिए नमाज के लिए, जो पाक और साफ हो, एक कपड़ा या दो कपड़ा अलग रखिए। ठीक, और बाकी जो कपड़ा है उसको आप इस्तेमाल में लाइए, बच्चे को लीजिए, बच्चे को खिलाइए। उसमें क्या होगा कि बच्चा चाहे जितना भी पेशाब करे उसमें पेशाब करेगा, वो नापाक होगा। और उस कपड़े को जब नमाज का वक्त हो तो चेंज कर लिया कीजिए, और चेंज करके हाथ मुंह धोकर आप नमाज पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर उसी कपड़े को आप पहन लीजिए। बात समझ में आए, ऐसे क्या होगा कि आपको रोजाना रोजाना कपड़ा धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप क्योंकि काफी मुश्किल है, काफी परेशानियां होती है इसलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक होता है या पाक होता है। बिल्कुल नापाक होता है, इसे पाक समझने की भूल आप ना करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इस चीज को जान जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।